ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में क्षेत्र के लोगों और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई, जिसमें एएसपी समेत 8 पुलिस कर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस ने 42 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद व 60 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। देखिए क्या है पूरा मामला। बताया जा रहा है कि पन्ना राजभर नामक व्यक्ति पारिवारिक मामले को लेकर पुलिस चौकी पर गया हुआ था। इस दौरान चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार व दीवान राजबल्ली ने राजभर की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। उक्त मामले की जानकारी लगते ही रसड़ा कस्बे के लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव करते हुए पुलिस विरोधी के नारे लगाए। पुलिस की पिटाई के खिलाफ धरना दे रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने जब बल प्रयोग किया तो उनका गुस्सा चरम पर चढ़ गया। देखते ही देखते पथराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें एएसपी समेत 8 पुलिस कर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस चौकी में तोड़फोड़, वाहनों को क्षतिग्रस्त करने व पथराव के मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में 42 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद व 60 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और लापरवाही बरतने के संबंध में चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से संवाददाता चंदू शर्मा की रिपोर्ट। धुबई मोहल्ला है, वहाँ राम दुलारी देवी हैं। उन्होंने अपने पति के भाई के लड़का है उसका पन्ना लाल राजभर, उसके विरुद्ध यह शिकायत की थी कि उसके यहाँ वो जबरदस्ती रह रहा है, उसको उसके घर से निकाला जाए। इस संदर्भ में चौकी के लोग वहाँ गए हुए थे और उसको लाए थे। आरोपित का कहना है कि उसको मारा पीटा गया और चौकी पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस संदर्भ में आज लोगों ने यहाँ रखड़ा में एक जाम लगाया हुआ था, जिसमें ज्ञापन आदि की कार्रवाई हो गई थी, किंतु बाद में कुछ अराजक तत्वों ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर करते हुए पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आईं। इस संदर्भ में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा जिन पुलिस कर्मियों का दोष है, जैसे चौकी इंचार्ज, उनको निलंबित किया जाएगा। सर, उनके साथ एक और भी शामिल है, रामबली करके, वो भी दीवान, वो भी निलंबित हो रहे हैं।